सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर वेल। गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हिस्टोरिकल वीडियो है, क्योंकि मैं आज आया हूँ मानसर लेक, जो कि आप देख सकते हो ये पड़ती है उधमपुर से 40 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कुछ एडवेंचरस करते हैं। एडवेंचरस क्या करना है यहाँ पे, लेक ही है, वोटिंग का देखते हैं। अभी तो काफ़ी धूप है यहाँ पे, आई डोंट थिंक सो कि हम वोटिंग कर पाएंगे, पर लेट्स सी। और ये यहाँ की हिस्ट्री है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली मैंने भी यूट्यूब पे देखी थी थोड़ी बहुत हिस्ट्री का, मुझे इतना मालूम है। ये कैसे टूटा? जब ये मछली जो है ना साइड से मिट्टी निकालती है नीचे अंदर ही। हाँ, मिट्टी निकालने से क्या होता है, नीचे जगह खोखली हो जाती है। जब खोखली हो जाएगी तो पानी की, जब हवा चलती है ना तो पानी की बहुत लहर चलती है। जब लहर टकराती है ना तो नीचे से मिट्टी और निकल जाएगी, तो जब ऊपर से बेट पड़ेगा तो नीचे मतलब जो बाकी के सराउंडिंग एरियाज हैं इसके लेक के, उसको भी खतरा है। हर जगह खतरा है, खतरा है। हाँ, पूरे सराउंडिंग एरिया जितने में नहीं, हर जगह जहाँ जहाँ होगा ना थोड़ी पानी की डेप्थ होगी, तो वहाँ अगर खोखला होगा तो पानी की लहर आएगी तो नीचे से मिट्टी और निकल जाएगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमराज है। हेमराज, आप ये जो शेषनाग जी का मंदिर है आप इधर के पुजारी हो? हाँ जी। तो आप हमारे जो भी व्यूअर्स हैं यूट्यूब के, उनको आप हिस्ट्री बताओ मानसर की, क्या है, कितने साल पुराना मंदिर है। हम बताते हैं तो सुनते जाना बात बाद में। ये जो है ना नीचे देवस्थान, ये वो शिला है, ये नेचुरल है, ये जो अंदर थी मंदिर के अंदर एज ए स्टोन, एज ए स्टोन टाइप है, जिसके ऊपर व्हाइट कलर का क्लॉथ दिया था। हाँ, यस, जिसके ऊपर ना कपड़ा डाला हुआ है व्हाइट कलर का। तो नेचुरल ये शिला है पुरानी, ये है जब द्वापर खत्म हो रहा था ना और कलयुग आ रहा था उसके टाइम में ये हुआ, उसकी बाद में आएगी कहानी, लेकिन ये उस टाइम का है। तो ये तकरीबन हो गया 5000 वर्ष पहले कि ये शिला है। बाकी जो स्थापना की हुई है ना वो बलराम की मूर्ति है और दो नागना हैं, जैसे एक बलराम की हो गई और एक उसकी हो गई लक्ष्मण की। ये उसके बाद मैं आपको बताता हूँ महाभारत की। जब महाभारत हुआ तो वहाँ अश्वमेध यज्ञ किया। महाभारत हुआ उसके बाद में जब पांडवों ने राजपाट संभाला तो उन्होंने क्या अश्वमेध यज्ञ किया। अश्व नाम होता है घोड़े का। अश्वमेध यज्ञ में क्या है, सारे बड़े देवता लोगों को बुलाया जाता है, तो उसमें क्या करते हैं घोड़े का पूजन करते हैं। घोड़े का पूजन करके हार श्रृंगार करके उसमें क्या करें स्वर्ण पटा बांध करके, तो उसमें शर्तनामे लिखते हैं कि जो घोड़े को पकड़ेगा तो चैलेंज करना होगा वो युद्ध करेगा, उसके साथ सैनिक साथ होते हैं, वो जिस भी डायरेक्शन को जाएगा ना उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं। अगर वो घोड़ा पकड़ेगा तो फिर वो पीछे सूचित करेंगे, तो वो जाकर फिर उसको घोड़ा छुड़ाने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। वो घोड़ा छोड़ दिया और इंडिया में घूमता रहा, लेकिन उसके बाद में क्या था, ज्ञातवास में या पांडव लोग ज़्यादातर रहते थे जंगलों में, तो हर जगह उनके जैसे इसमें रहे हैं, असम में रहे हैं, यहाँ अखनूर में रहे हैं, ये धारोड में रहे हैं। तो यहाँ धारोड में है, यहाँ से 10 किलोमीटर जगह है, उसका नाम है मनवाल बपौर, वहाँ पांडवों के मकान थे। तो वहाँ वो आज भी है मकान। हाँ, अलूपी और चित्रंगता, अलूपी और चित्रंगता जो थी वो नागकन्या थी, अलूपी गंधर्वों की लड़की थी, वो सहेलियाँ थी। तो जब उनका स्वयंवर हो रहा था तो अर्जुन गया, अर्जुन ने उसको जीत करके ले आया, किसको, जो चित्रंगता थी उसको जीत करके ले आया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वो बैठे हुए थे वहाँ, कृष्ण भगवान जी आ गए, तो उन्होंने बोला ये कन्याएं कौन है, बोला हम स्वयंवर में जीत करके लाए हैं। तो भावार्थ से था कृष्ण, मतलब भगवान जी चाहते थे कि इनको ये ना रहे कि हम ही शूरवीर हैं, हमारे से ज़्यादा कोई बलवान नहीं है, तो उनको बहाना मिल गया। उन्होंने बोला आपने अच्छा नहीं किया, बोला क्यों, बोला ये इनसे जो संतान होगी वो आपका विनाश का कारण बन सकती है। बोला उसका कोई उपाय, बोला वो टाइम आने पर आपको पता चल जाएगा। भगवान चले गए,
तो वो थोड़े सोच बाजार में पड़ गए कि क्या करें ये वो है। लेकिन काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने क्या किया, उसका त्याग कर दिया जैसे सीता माता का किया था। तो वो यहाँ आपको बताया 10 किलोमीटर यहाँ मनवार नाम जगह है बपौर, वहाँ उनके मकान थे, वहाँ रहने लगी। तो उनको एक दे दिया सेवाकार, तो उनकी सेवा करता था, बाकी उनको कमी नहीं थी खाने पीने की, सब कुछ दल दौल था, तो वहाँ रहने लगे। तो उसके बाद में वो गर्भवती थी जो आया ना चितंगरा गर्भ, तो वहाँ उसने लड़का हुआ, उसका नाम रखा बब्रवान बड़ा शक्तिशाली हुआ। तो उसने क्या उधमपुर से लेकर हिमाचल तक एक राजधानी तौर पर वो गश्त पर जाता था। तो क्या हुआ, वो घोड़ा घूमते घूमते वहाँ आ गया, उसने घोड़ा पकड़ लिया, बड़ा सुंदर देखा, घोड़ा पकड़ के माता के पास आ गया। जब माता के पास आया तो उसने बोला कि ये घोड़ा पकड़ा आपने अच्छा नहीं किया। बोले क्यों? बोला ये अश्वमेध का घोड़ा है छोड़ा हुआ और अर्जुन का है, अर्जुन आपका पिता है, तो जो पकड़ेगा उसमें लिखा हुआ है जो पकड़े वो युद्ध करेगा, तो तू पिता के साथ युद्ध थोड़ा करेगा। तो बोला क्या किया जाए? बोला घोड़ा वापस करके आओ। जब घोड़ा वापस करने गया तो किसी ने बताया, राजा के पास डायरेक्ट तो जा नहीं सकता था, किसी ने बताया कि ऐसे एक लड़का घोड़ा लेके आया है। उसने बोला कि अर्जुन ने ये सोचा कि इतना कौन शक्तिशाली हो गया, जो लड़का जो है घोड़ा पकड़ने वाला कौन है, मैं देखना चाहता हूँ। तो उसने बोला आपको बुला रहे हैं। जब वो अंदर गया तो उसको पता मेरा पिता, सब कोई कहानी बताई थी नहीं, लेकिन उसको पता नहीं, बाप को पता नहीं था मेरा ये है। तो उसने क्या किया कि धनवर प्रणाम किया, जब प्रणाम किया तो उसने बोला भाई तेरे में क्या हिम्मत है, तू कल का बालक है और तूने घोड़ा अश्वमेध का घोड़ा पकड़ लिया। उसने बोला कि आप मेरे पिता हो और मुझे ऐसे माता ने बताया है, सब कहानी बताई, तो उसको पता चल गया अर्जुन को वाकई हो सकता है। उसने बोला एक घोड़ा यू है, मैं मुझे माता ने बताया कि युद्ध नहीं करूँगा, घोड़ा वापस करने इसलिए आया हूँ। तो उसने बोला हमारी रीति है कि जो घोड़ा पकड़ेगा वो युद्ध करेगा, तो या तो हार मान लो तो या युद्ध करो। उसने बोला कि मैं शूरवीर हूँ, जब मैं शूरवीर खानदान का हूँ और खुद भी शूरवीर हूँ, इसलिए मैं युद्ध करूँगा, हार नहीं मानूँगा। तो वहाँ उनका काफ़ी, यहाँ से राम को नाम जगह है, खून नाम जगह है, वहाँ उनका युद्ध हुआ। तो वहाँ अक्षौणी सेना मारी गई, अर्जुन की काफ़ी सेना मारी गई। उसके बाद में क्या, जब वो परेशान हो गया लड़का, तो उसने जो है ना गंगा मैया थी उसको याद किया। तो गंगा में ये जब प्रकट हुई तो उसने बोला भाई ब्याह क्या बात है बताओ मुझे। तो उसने बोला ऐसे ऐसे युद्ध हो रहा है तो मुझे कोई ऐसी शक्ति दो। पहले तो उसने बोला कि ठीक है। ये बोला किसने था? ये बोला था मतलब जो बब्रवान था ना, हाँ। उसने बोला गंगा मैया, गंगा मैया को, हाँ, कि मुझे मतलब युद्ध हो रहा है तो मुझे कोई विजय का आशीर्वाद हो। उसने तथास्तु, लेकिन बोला ऐसे नहीं होगा, मुझे कोई शक्ति चाहिए। तो उसने एक शक्ति दी, बोला एक बार चलेगी। तो वो शक्ति जब चलाई उसने तो अर्जुन का सिर कर दिया, अर्जुन का सिर कर दिया। माता के पास आया तो उसने बोला कि आपने वध कर दिया, आपके पिता थे और हमें मिरंडी कर दिया, तो इसका आपको पाप लगेगा, तो इसका आपको प्राचित करना पड़ेगा। उसने बोला कि चलो सती हो जाते हैं, पहले सती सिस्टम था ना, बोला चलो सती हो जाते हैं। उसने बोला एक उपाय है, बोला नागों के पास एक मणि है, अगर वो मणि मिल जाए तो जिंदा हो सकता है। तो उसने बोला चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ से 16 किलोमीटर इसी लाइन में एक और लेक है, उसका नाम है सुरंगसर। तो वहाँ गया, उसने ऐसे मकान देखा जैसे ये था खाली जगह थी, उसने बाण मारा, धरती छेदन की चला गया। नागों के पास सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसे बात है, मुझे मणि चाहिए। उन्होंने बोला सभा लगाई, बोला कि मणि मृत्यु लोग मणि मिलेगी, क्योंकि हमें मिलेगी नहीं वापस, इसलिए हम मणि नहीं दे सकते। तो उसने क्या किया है, नागों को दूध पिलाते हैं, दूध के बाण मारे, सेंट स्पंजित बाण मारे, फूलों की वर्षा कर दी। उन्होंने बोला कि मांग, हम खुश हो गए। उन्होंने बोला कि मांग क्या आपको चाहिए? उसने बोला पहले मैं सिर्फ मणि देखना चाहता हूँ। उन्होंने बोला दिखा दो मणि भाई। जब उसको मणि दिखाई तो उसने बोला कि मैं इतना परिश्रम किया है मणि के लिए, और ये मणि जो है ना अभी मेरे हाथ है, हो सकता है मैं अपना टाइम खो दूँ। तो उसने क्या किया कि यहाँ नीचे से बाण मारा, इसका नाम है मणि लाने से मणि सर। तो जब उसके मणि उसके हाथ में आई तो उन्होंने बाण मारा और इस रास्ते बाहर आ गया। ये मतलब कि अंडरग्राउंड ही आई थी, अंडरग्राउंड, हाँ अंडरग्राउंड आई।
तो मनी लेके बाहर आ गया। बाहर आके जब मनी ली तो उसने यहाँ विश्राम किया। उसने बोला चलो भगवान की देन है, चलो भगवान को याद कर लेते हैं। जब वो बैठा हुआ संदेश पीछे नाग आ गए, उन्होंने बोला कि तुम धोखे से मनी ले आया है तो हम आपको भी मनी ले दें। उसने बोला कि मैं शूरवीर हूँ, युद्ध करो, हार जीत पर डिपेंड है, नहीं तो मैं अपने पिता को जिंदा करना है, मनी आपको वापस ले। तो वो सहमत हो गए। उन्होंने जा करके, आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, अर्जुन को जिंदा किया। तो अर्जुन को जिंदा करने के लिए उनको याददाश्त रहती थी, अर्जुन को सब पता था कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। उसने नागालैंड मणिपुर का राज दिया बब्बर बाण को। तो बब्बर बाण वहाँ गया तो किसी ने बोला कि बड़ा कोई शक्तिशाली है, तो राजा था वहाँ, राजा मिलने के लिए आया। तो राजा ने बोला कि आप इतने, मैं सुना है कि बड़े शक्तिशाली हो, तो आप राजपाट संभाल लो। बोला मुझे क्या ज़रूरत है राजपाट की। तो उसने बोला कि मेरे पास तो औलाद नहीं है, तो आगे कौन संभालेगा। उसने बोला कि मणि की पूजा करो, आपके घर में औलाद होगी, लड़का होगा, लेकिन एक अंग देना पड़ेगा। उसने बोला कि अंगहीन औलाद मुझे नहीं चाहिए, वो क्या करनी है। तब से ये है, उन्होंने बोला नहीं, ये बाल जो हैं ये एक अंग है इंसान का। तो वहाँ आपने जा करके मानसर में जा करके बाल उतारने हैं, और उसके साथ ही क्या करना है, मणि के साथ झील में छोड़ देना है। तो नाग वहाँ से ले जाएंगे, मणि को ले जाएंगे। तो उन्होंने ऐसे ही किया, जहाँ आए यहाँ उन्होंने बाल उतारे, मुंडन संस्कार किए, उसके साथ में जो मणि थी वो वापस कर दी। यहाँ नागों को बास हो गए, इसमें बड़ा टाइम लगा था, लेकिन बीच में आपको छोड़ दीजिए मकान। तो यहाँ जो काफ़ी टाइम था, तो कोई हिस्ट्री बनती है यादाश्त, तो तब नागों के यहाँ क्या हुआ, नाग नेचुरल यहाँ नागों का बास हो गया। तो अभी क्या हुआ कि जब कलयुग आया, तो कलयुग में क्या है, हर चीज़ का जो जितने देवता हैं ये पत्थर रूप में है, ये भगवान की देन है। क्योंकि उस वक्त जो है ना, इसमें त्रेता में सतयुग में ये तो साक्षात जो भगवान थे, प्रजा के साथ चलते थे, लेकिन हमारे में इतनी नहीं है ना, ज्ञान नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं है कि हमको साक्षात देखें, इसलिए क्या है, हम उसको पत्थर रूप में पूजते हैं। नहीं, इस लेख में कहते हैं शेषनाग के भी दर्शन होते हैं। अच्छा, शेषनाग के, इसमें नागों के दर्शन होते हैं, शेषनाग के दर्शन नहीं होते, शेषनाग के नहीं होते हैं। वो गवर्नर जगमोहन था ना, हाँ, काफ़ी टाइम, तकरीबन 20 साल पहले की बात है, हो सकता है 25 साल हो गए, उसको दर्शन हुए थे शेषनाग के। हाँ, यहाँ कोई डूब गए थे ना, तो डूबने की वजह से क्या हुआ था, आर्मी की किश्तियाँ मंगवाई थी जगमोहन ने, तो अग्निबोर्ड भी थी, वो हर जगह जब चलती थी ना, बहुत स्पीड में चलती, लेकिन वहाँ डेथ हुई थी वो किश्ती के सामने ना, फ्रंट में। तो वहाँ जब किश्ती जाती तो ऑफ हो जाती थी, कोई भी किश्ती काम नहीं करी, एक घंटा हो गया, घंटे के बाद में उसको दर्शन हुए। जब दर्शन हुए तो थोड़ा वो परेशान हो गया, अपनी यादाश्त खो बैठा। जब उसको याद आई तो उसने क्या किया, यहाँ जो बोटिंग होती है बंद कर दी। बोला यहाँ बोटिंग नहीं होगी, अभी ये चंद सालों से ना अभी बोटिंग शुरू हुई है, नहीं तो उसने काफ़ी साल 8-10 साल बोटिंग। और जो आपने कहानी सुनाई, हमने YouTube पे वीडियोस देखी थी, काफ़ी अलग कहानी सुनाई है आपने। आपने बोला कि उसको पता था, उसकी माँ ने उसको पहले का बताया था। हाँ, वो बताया पर YouTube में काफ़ी सारे जिन्होंने भी वीडियोस डाली उन्होंने बोला कि उसको पता नहीं था बब्बरबान को, उसने अनजाने में मार दिया, फिर वो सरकट। वो गलत है, बब्बरबान को उसकी माता ने सब बताया था। और आप कह रहे हो जब वो मनी लेने गए थे, आपने बोला कि फूल के बाण मारे, दूध के मारे। हाँ। और हमने दूसरी वीडियोस में देखा है, उसमें वो बोलते हैं कि उन्होंने शहद के मारे, उसमें सारे सांप लिप्ट हो गए, फिर वो धोखाधड़ी से वो लेके आया था। नहीं, 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 धोखाधड़ी से कोई ला सकता है, सब थोड़े शहद में लिपट गए। आपको बताया नाग भूमि आगे नीचे ना, नाग भूमि है तो उसमें बहुत से नाग, बड़े बड़े शक्तिशाली नाग हैं। तो जो वो जो वीडियोस है, जो स्टोरी है, वो फेक है, वो नहीं है, वो उसमें असलियत नहीं है। हाँ, असलियत नहीं है वो, तो यही कहानी है। हाँ।